बाराबंकी लोकप्रिय सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने बाराबंकी रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया और जनहित में कराए जा रहे कार्यों को देखकर प्रसन्नता जाहिर की। स्टेशन अधीक्षक वीके शुक्ला ने रेल डाकघर के पास एक कवर्ड शेल्टर बनाने के बारे में सांसद से अनुरोध भी किया। इस बात पर ने कहा कि शेल्टर बन जाने से आम जनता के लिए विपरीत मौसम में बैठने की अच्छी स्थायी व्यवस्था बन जाएगी। से जब मीडिया वालों ने पूछा कि बाराबंकी स्टेशन पर आप क्या क्या सुविधाएं देने जा रहे हैं, इस पर सांसद ने कहा अभी जल्द ही यात्री प्रतीक्षालय में उच्च क्वालिटी की स्टील बेंच मंगाई हैं तथा सभी प्लेटफार्म पर स्टील के डस्टबिन लगाए गए हैं। प्रकाश व्यवस्था की सीसीटीवी कैमरे का सर्वे हो चुका है। जल्द ही समस्त प्लेटफार्म पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और बाराबंकी शहर से बंकी नगर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर अंडरपास का प्रस्ताव बनाकर के रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। फंड मिलते ही अंडरपास का निर्माण शुरू हो जाएगा, जिससे बंकी नगर की लगभग 25,000 आबादी और इससे प्रभावित सैकड़ों गांवों के हजारों लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी और दूसरी बात है कि यहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगने हैं, इसका सर्वे हो रहा है। 60 सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है। बाराबंकी और बंकी को जोड़ने के लिए, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहता था, आप लोगों से वादा भी किया था, जनता से वादा किया था कि अंडरपास बने या तो ओवरब्रिज या अंडरपास। ओवरब्रिज बनने में तकनीकी दिक्कत है, चूँकि बहुत तीव्र मोड़ है, इसलिए अंडरपास की बनाया जा सकता है। और उसके लिए यहाँ जो स्टेशन अधीक्षक हैं शुक्ला जी, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है और अधिकारियों के साथ बैठ करके एक प्रस्ताव बना करके भेजा जा चुका है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही अंडरपास बनाया जाएगा। बाकी और जो भी 5 मांगे हैं उनको भी जल्दी से पूरा कराने की कोशिश।